वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज ये एक लैपटॉप आया था, इसके बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम थी और इसमें हमने क्या किया है। तो सबसे पहले ये लैपटॉप है, ये देखिए लैपटॉप अब रेडी है, क्योंकि इसमें पूरा बोर्ड चेंज करना पड़ा है। और इसमें जो दिक्कत थी बेसिकली क्या थी कि जो SOC है, SOC पूरी तरह से क्या है, यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। तो इसको हमने क्या किया है, चेंज किया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए SOC के आसपास की जितनी कॉइलें हैं, देखिए जितनी कॉइलें लग रही हैं SOC के आसपास की, इसकी मैं आपको रीडिंग दिखाता हूँ। तो ये देखिए रीडिंग में मैं आपको रीडिंग दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए SOC की जो रीडिंग आ रही है यहाँ पर, देखिए सीधा करना उसको, SOC के आसपास की रीडिंग्स तो हम ये देखेंगे। तो ये रीडिंग्स में क्या दिखा रहा है, पूरा ये पूरी रीडिंग क्या जा रही है इसकी, 0-0 जा रही है, देखिए। ठीक है, तो ये रीडिंग 0 जाने के कारण क्या है, अब आप इसको देखिए बोर्ड पे दिखाओ। ये देखिए बोर्ड पर हमने इसको यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है, और ये देखिए बीप कर रहा है। अब आप इसको मीटर पर देखिए, पूरी 0-0 रीडिंग जा रही है। तो इसके आसपास की जितनी कॉइलें हैं लगभग क्या हो रही है, ये बोर्ड पे दिखाओ, ये क्या हो रही है, सब 0-0 रीडिंग पर जा रही है। ठीक है, देखिए 1 पे जा रही है, दिखाओ पूरा, दिखाओ पूरा, दिखा दो, ये देखिए इस तरह से ये पूरी 0 रीडिंग पर ये बोर्ड आ चुका है, देखिए पूरा 0 है। और जब इस तरह की स्थितियाँ हो जाती हैं, देखिए ये दूसरी चिप है, ये नहीं दे रही है। अब आप इस पर जैसे ही जितनी चिप है उसको दिखाओ बोर्ड पर, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, अगर ये 0-0 पे जा रही है, दिखाओ ये वाली, देखिए पूरी क्या हो रही है, 0-0 हो रही है SOC के पास की। तो इस तरह से ये बोर्ड पूरी तरह से क्या हुआ, ख़राब हुआ है। अब इसके जो रोम का 8 नंबर पिन है वो भी क्या कर रहा था, ग्राउंड है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। देखिए 1 नंबर यहाँ से काउंटिंग है, और इसका जो 8 नंबर है वो भी क्या कर रहा है, ग्राउंड मार रहा है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। वहाँ भी दिखाओ 0 करेगा ये भी, ये अभी एक मिनट गलत रख रहा था मैं, अभी देखिए आप, ये भी पूरा 8 नंबर ग्राउंड कर रही है। तो ये 8 नंबर ग्राउंड कर रही है, तो मतलब ये प्रॉब्लम में है। तो इस तरह से इस बोर्ड को हमने बदला, और इसका मैं मॉडल नंबर आपको बताता हूँ। ये मॉडल नंबर, इसका बोर्ड का पार्ट नंबर था लिनोवो BT462 NMA581 रिविज़न 3.0 215/24/12/2015 मेड इन चाइना। तो इस तरह से समझ में आ गया। तो ये बोर्ड में बेसिकली क्या था, ये चिप पूरी शॉर्ट मार गई है, जिसको हमने बदला, और ये रेडी हुआ ये बोर्ड कस्टमर के पास जाने के लिए। और इस पर इस तरह से हम सारे बोर्डों को हमने चेंज किया, क्योंकि इसमें इस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी, बोर्ड में SOC की दिक्कत थी। SOC को हम रिपेयर करते, 3,500 की SOC थी, 3,500-4,000 रुपये, तो थोड़ा दिक्कत वाला मामला होता है, इसलिए फिर हम लोग इसको बोर्ड ही लगाते हैं, ताकि दिक्कत ना रहे। देखिए अभी पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है, चार्जिंग प्रॉपर है, इसमें साउंड वगैरह सब प्रॉपर है, प्रॉपर आवाज़ें, प्रॉपर इसका साउंड, प्रॉपर सारी चीज़ें हैं। तो इसको चेंज किया हमने और पूरी तरह से इसको रेडी किया है ये कस्टमर के पास जाने के लिए। तो ऐसे हम सारी चीज़ें करते हैं, एक हद तक कोशिश करते हैं कि बन जाए, नहीं बनने के बाद हम उसे चेंज करते हैं। थैंक्स।